सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। आइए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा है। जितेंद्र, पीएफआई 5 साल के लिए प्रतिबंधित, किन वजहों से और क्या है इस प्रतिबंध के मायने? देखिए स्वाति, कल ही हमने सबसे पहले इस बारे में बताया था कि इसी हफ्ते सरकार पीएफआई पर बैन को लेकर के बड़ा फैसला ले सकती है और उस कल ही रात को पीएफआई को बैन करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया था। पीएफआई को बैन करने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि वो लगातार आतंकी घटनाओं में शामिल पाई गई है, उसके कैडर के जो लोग हैं वो लगातार जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े पाए गए हैं, चाहे वो आईसिस हो, अलकायदा हो या दूसरे आतंकी संगठन हो, उनमें लगातार उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई गई है। और जिस तरह से पीएफआई 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो तैयारी कर रहा था, इस तरह के जो लिटरेचर उनके पास से मिले थे, उसके बाद से ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि अब इस संगठन पर बैन लगाना बेहद जरूरी हो गया। क्योंकि जब इस संगठन की शुरुआत हुई थी, एनडीएफ जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो कि केरला का एक संगठन था जो बाद में पीएफआई बन गया था, और इसके फाउंडर मेंबर वो थे जब सिमी के अंदर पहले हुआ करते थे, और यही वजह है कि जो पीएफआई उसको सिमी का ही बदला रूप एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि 2001 में सिमी को बैन किया गया था और 2006 में पीएफआई का गठन हुआ था। एनडीएफ पूरी तरह से पीएफआई के अंदर मर्ज हो गया था। उसके बाद से लगातार एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही थी भारत के अंदर, चाहे वो सांप्रदायिक हमले हों, चाहे वो आतंकी घटनाएं हों, उनमें कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम सामने आ रहा था, और यही वजह थी कि इस बार सरकार ने फैसला लिया कि पीएफआई पर बैन किया जाना चाहिए। और पीएफआई के साथ साथ जो उसके साथ जुड़े हुए संगठन है, जिसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, नेशनल वुमेन फ्रंट है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल है, और जो दूसरे जो कुछ एफिलिएटेड संगठन है, उन सबको बैन कर दिया गया है। फिलहाल ये बैन 5 साल तक के लिए किया गया है, क्योंकि जब भी यूएपीए के तहत किसी संगठन पर बैन किया जाता है तो उसकी ट्रिब्यूनल से ही उसके बाद आगे की मंजूरी लेनी होती है। अब 5 साल के बाद फ्रेश एविडेंसेस के साथ कि किस तरह से ये संगठन क्या अभी भी सक्रिय है, किस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, और उसके बाद फिर आगे बैन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए 5 साल के लिए पीएफआई और उससे जुड़े हुए जो संगठन है उनको बैन कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपका।